दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अंतरिम फैसले में भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया की तरफ से दायर याचिका खारिज कर दी है। टेलीकॉम कंपनी ने याचिका AGR कैलकुलेशन को ठीक करने के लिए दायर की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर विचार करने से मना कर दिया है। और इस फैसले का सबसे बुरा असर वोडाफोन आइडिया के शेयरों पर पड़ा है और 11% तक नीचे गिर गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले ने वोडाफोन आइडिया की मुश्किल बढ़ा दी है। कंपनी पर 58,000 करोड़ रुपए का बकाया है। कंपनी अगर बकाया रकम चुकाने के लिए फंड का इंतजाम नहीं कर पाती है तो इसके बिजनेस को बड़ा नुकसान हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला वोडाफोन आइडिया के शेयरों के सेंटीमेंट पर बहुत भारी पड़ा है। खबर के मुताबिक एक ब्रोकरेज हाउस के एनालिस्ट का कहना है कि कंपनी को कम से कम 25,000 से 30,000 करोड़ रुपए की जरूरत है, जो टैरिफ बढ़ाकर हासिल किया जा सकता है, लेकिन ऐसी कोई उम्मीद नहीं है कि कंपनी ऐसा कर पाएगी। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ भारतीय एयरटेल के शेयरों में हमें तेजी देखने को मिली है। एयरटेल पर AGR का 44,000 करोड़ रुपए का बकाया है। पिछले साल सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि टेलीकॉम कंपनी को बकाया AGR चुकाने के लिए 10 साल का वक्त दिया जाएगा। टेलीकॉम कंपनी को हर साल 10% किस्त चुकाना होगा। हालांकि दोस्तों, टेलीकॉम कंपनियां दोबारा कैलकुलेशन की मांग करती आ रही थी, यानी वो और टाइम मांग रही थी, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने वो याचिका भी खारिज कर दी है। तो दोस्तों, ये थे कुछ अपडेट टेलीकॉम सेक्टर को लेकर। इस वीडियो में फिलहाल इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।